हाय फ्रेंड्स, और कैसे हैं आप सब? उम्मीद होगा अच्छे होंगे। और तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ ग्लैंड्स एंड हॉर्मोन्स के बारे में। तो हमारी बॉडी में बहुत से ग्लैंड्स हैं जो क्या रिलीज़ करते हैं, हॉर्मोन रिलीज़ करते हैं। और ये जो चैप्टर है ये बहुत इम्पोर्टेंट है रेलवे के लिए, क्योंकि एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। एक दो क्वेश्चन तो इनमें से बन ही जाते हैं। तो चलिए देखते हैं अपने ग्लैंड्स एंड हॉर्मोन्स के बारे में। तो हमारे बॉडी में कौन से ग्लैंड्स हैं, वो कौन से हॉर्मोन्स को रिलीज करती हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो हॉर्मोन्स क्या करते हैं? केमिकल कोऑर्डिनेशन के काम आते हैं। ये क्या आते हैं? ये केमिकल कोऑर्डिनेशन के काम आते हैं। जो ये क्या करते हैं? हमारी बॉडी को कंट्रोल करते हैं। हमारी बॉडी को कंट्रोल करने का काम कौन करते हैं? ग्लैंड्स करते हैं कंट्रोल। क्या करते हैं? हमारी बॉडी को कंट्रोल करते हैं। तो कंट्रोल हमारी बॉडी को, वैसे तो नर्वस सिस्टम भी करता है। जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो भी हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है। वो किसकी मदद से करता है? वो हमारी नर्व्स के मदद से करता है। और एक होता है केमिकल, केमिकल कोऑर्डिनेशन। और ये किसकी मदद से करता है? ये केमिकल की मदद से करता है। जो केमिकल्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, वो उनका रिसाव होता है। तो वो किस फॉर्म में होती हैं? वो होती हैं हॉर्मोन या एंजाइम के फॉर्म में। किसमें होती है? हार्मोन या एंजाइम के फॉर्म में होती है। और जो नर्वस सिस्टम है, जो अपनी नर्व्स हैं, ये क्या होती हैं? ये फास्ट रिएक्शन करती हैं और ये स्लो करती हैं। तो नर्व्स कैसे फास्ट रिएक्शन करती हैं? आपने बहुत बार देखा होगा, आपने कभी कोई गर्म बर्तन रखा होगा, आपने अगर उसको हाथ लगा लिया तो आप क्या कुछ सेकंड में उसको छोड़ देते हो। तो वो अपना रिएक्शन ही तो है कि जिसकी वजह से हम उसको छोड़ रहे हैं। तो वो कैसा है? फास्ट रिएक्शन। वो अपन कुछ ही सेकंड में कर देते हैं। और ये जो होती हैं, जो बहुत स्लो रिएक्शन करती हैं। तो इसमें क्या होती है? केमिकल का रिसाव होता है। तो देखते हैं अपने ग्लैंड्स कौन से ग्लैंड्स हैं ना, जो तीन प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की ग्लैंड्स होती हैं? तीन प्रकार की। तो तीन प्रकार कौन से? एक है एंडोक्राइन, एंडोक्राइन। तो एंडोक्राइन को क्या बोलते हैं? अंतःस्रावी, अंतःस्रावी। और एक है एक्सोक्राइन। ये पेन थोड़ा मोटा ले लेते हैं जिससे दिखाई दे दें। सही है। तो चलिए, है ना, दूसरा कौन सा है? एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन क्या है? इसको बोलते हैं बही स्त्रावी। क्या बोलते हैं? बही स्त्रावी। और एक होता है मिश्रित, एक होता है मिश्रित, जिसे बोलते हैं मेजोक्राइन। और जो ये मिश्रित ग्लैंड है वो हमारी बॉडी में सिर्फ एक ही है। वो कौन सा है? वो है पेनक्रियास। पेनक्रियास कौन सा है? मिश्रित ग्लैंड है। और ये क्या क्या रिलीज करता है? ये हार्मोन और एंजाइम दोनों रिलीज करता है। ये हार्मोन प्लस एंजाइम दोनों रिलीज करता है। तो चलिए अपने एंडोक्राइन के बारे में पढ़ लेते हैं कि एंडोक्राइन क्या है। तो एंडोक्राइन जो अंतःस्रावी है वो क्या होता है? वो होता है डक्टलेस। डक्टलेस मतलब नलिका विहीन। तो इसको जो अपने केमिकल्स स्त्राव करने के लिए कोई नलिका की जरूरत नहीं होती। ये सीधे अपनी ब्लड केमिकल्स को जो है वो ब्लड में ही छोड़ देता है। और जो ब्लड है वो उनको अपने टारगेट पॉइंट तक लेके चले जाते हैं।
और ये क्या रिलीज करते हैं, ये रिलीज करते हैं हॉर्मोन्स को। किसको रिलीज करते हैं, हॉर्मोन्स को रिलीज करते हैं। और इसके एग्जांपल क्या क्या हैं, कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। तो इसके एग्जांपल हैं, एक तो है थायराइड, क्या है थायराइड, एक है पीयूष, क्यूस, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, बोलते हैं पिट्यूटरी, पिट्यूटरी, एक है एड्रीनल, एक है एड्रीनल, टेस्टिस, जो मेल में जो टेस्टिस होते हैं वो भी किसका एग्जांपल है, एंडोक्राइन का, और फीमेल में ओवरी। तो ये कुछ एग्जांपल है एंडोक्राइन के। फिर हम देखते हैं अपने एक्सोक्राइन को, एक्सोक्राइन में कौन से हैं, एक्सोक्राइन क्या होता है। तो एक्सोक्राइन है ना, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बहिस्त्रावी, क्या बोलते हैं बहिस्त्रावी। और इसको जो अपने केमिकल्स स्त्राव करने के लिए है, जो छोड़ने के लिए, इसको नलिका की जरूरत पड़ती है। किसकी, नलिका की जरूरत पड़ती है, ट्यूब की जरूरत पड़ती है। इसके अंदर ही अपने केमिकल्स को छोड़ता है और वो अपने टारगेटेड पॉइंट तक चली जाती हैं। और ये किसका स्त्राव करती हैं, ये करती हैं एंजाइम का। किसका, ये एंजाइम का स्त्राव करते हैं, एंजाइम छोड़ते हैं। और मिक्स तो मैंने आपको बता ही दिया है, एकमात्र पैनक्रियास। और जो मिक्स्ड में है वो एक आप और देख लीजिए, मिक्स्ड ग्लैंड एक और है, वो कौन सी है, अपनी जनन ग्रंथियाँ, क्या है जनन ग्रंथियाँ, ये भी कौन सी है, मिक्स्ड प्रागर की। वैसे तो पैनक्रियास ही है, पर अगर जनन ग्रंथियाँ भी आपको एग्जाम्पल में दे दी जाए तो जनन ग्रंथियाँ भी कौन सी है, मिक्स्ड प्रकार की हैं। पर इसमें जो टेस्टिस और ओवरी हैं, अगर ये स्पेशल दी जाए तो ये कौन सी है, ये एंडोक्राइन है। तो चलते हैं अपने, देखते हैं अपनी बहिस्त्रावी एक्सोक्राइन कौन सी ग्लैंड, कौन सी है एक्सोक्राइन, एक्सोक्राइन के एग्जांपल्स को देख लेते हैं। ठीक, एक्सोक्राइन के एग्जांपल्स कौन से हैं। तो एक है, एक तो है लीवर, लीवर। और ये लीवर जो है हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, लीवर है। इसका वेट क्या है, इसका वेट है 1.2 से 1.5 kg। इसका वेट क्या है, 1.2 से 1.5 kg। फिर आती है अपनी लैक्राइमल ग्रंथियाँ, लैक्राइमल ग्लैंड। तो इसको क्या बोलते हैं, अश्रु ग्रंथि, अश्रु ग्रंथि। लैक्राइमल ग्लैंड को क्या बोलते हैं, अश्रु ग्रंथि। जो अपने आंसू आते हैं वो लैक्राइमल ग्लैंड की वजह से आते हैं। फिर आती है अपनी स्वेट ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड को क्या बोलते हैं, पसीना ग्रंथि। जो पसीना है वो किस ग्लैंड से आते हैं, वो स्वेट ग्लैंड से आता है। फिर आती हैं अपनी तेल ग्रंथियाँ, फिर तेल ग्रंथियाँ, तेल ग्रंथि को क्या बोलते हैं, सीबेसियस, सीबेसियस। और ये क्या रिलीज करती है, ये साइबम, साइबम केमिकल रिएक्शन, केमिकल का रिसाव करती है हमारी तेल ग्रंथियाँ। फिर आती है लार ग्रंथियाँ, सलाइवरी ग्लैंड्स, क्या है सलाइवरी ग्लैंड, इनको क्या बोलते हैं, लार ग्रंथियाँ। फिर आती है अपनी दुग्ध ग्रंथियाँ, दुग्ध या स्तन ग्रंथि। फिर आती है अपनी आंत में, जो अपनी आंत में उनमें कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, उसमें पाई जाती है ब्रूनर्स, कौन सी, ब्रूनर्स, ब्रूनर्स ग्लैंड। फिर आती है अपनी श्लेष्मा, श्लेष्मा ग्रंथि। श्लेष्मा में क्या आता है, श्लेष्मा में क्या, कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, इसमें पाई जाती है म्यूकस, कौन सी पाई जाती है, म्यूकस ग्रंथि। फिर एक अपने कान में आती है, कान में कौन सी ग्रंथि आती है, इसमें आती है सेरोमिन, इसमें आती है सेरोमिन, सेरोमन ग्रंथि।
जो अपनी स्किन है उसमें जो पसीना ग्रंथि है, तो अपनी बॉडी में ऐसी बहुत सी जगह हैं जिसमें स्वेट ग्लैंड नहीं पाए जाते हैं, तो और पसीना ग्रंथि है वो कहाँ पे पाई जाती है, वो स्किन में पाई जाती है। तो स्किन में कौन सी जगह है जहाँ पे स्वीट ग्लैंड्स का अभाव होता है वो भी देख लेते हैं। तो कहाँ कहाँ होता है, एक तो होता है अपने लिप्स पे है, और एक होता है अपने एरियोला। एरियोला मतलब, एरियोला क्या होता है, चुचुक। अपने चुचुक हैं जो अपने स्तन हैं उनमें जो ब्लैक वाला हिस्सा है उसको क्या बोलते हैं, चुचुक। तो वहाँ पे भी सलाइवरी ग्लैंड्स नहीं पाई जाती और अपने लिप्स पे भी नहीं पाई जाती हैं। फिर हम देखते हैं अपने एंडोक्राइन के एग्जाम्पल्स को। तो एंडोक्राइन के एग्जाम्पल्स को मैं आपको एक ट्रिक के साथ बताता हूँ। तो ट्रिक कौन सी है, चलो कलर ले लेते हैं अपन। कौन सा कलर लें, कलर ले लेते हैं, ये कलर ले लें। तो एग्जाम्पल देखते हैं, थारी पीपी पे थारे बिरजू अंकल अधिकार हैं। थारे पीपी पे, थारे पीपी पे थारे बिरजू, थारे पीपी पे थारे बिरजू अंकल अंकल अधिकार हैं। थारे पीपी पे थारे बिरजू अंकल का अधिकार अधिकार है। तो देखते हैं इनसे क्या क्या बनता है। तो थारी से क्या बना, थारी से बना थायरॉयड। थारी से थाई रॉयड क्या बना, थारी से बना थायरॉयड। तो ये थायरॉयड कहाँ पाया जाता है, वो पाया जाता है गला में। कहाँ पाया जाता है, गला में। फिर पीपी, तो पीपी से क्या है, दो हैं पीपी। एक तो होता है पीनियल और एक है पीयूष, और दोनों कहाँ पाई जाती है, दोनों पाई जाती है माइंड में। और माइंड के कौन से भाग में, ये पाई जाती है फोर ब्रेन में यानी अग्र मस्तिष्क में। फिर देखते हैं पे, तो पे से क्या आता है, पे से आता है पैराथायरॉयड। कौन सा, पैरा थायरॉयड। तो ये पैराथायरॉयड कहाँ आ जाता है, पैराथायरॉयड पाया जाता है थायरॉयड के अंदर। फिर आता है थारे, थारे से क्या होता है, थारे से बनता है थाइमस। थारे से थाइमस, और ये कहाँ पाया जाता है, हार्ट के नज़दीक। हार्ट के नज़दीक कौन सा ग्लैंड पाया जाता है, थाइमस। फिर बिरजू, बिरजू से कौन सा बनता है, बिरजू से बनता है वृषण। वृषण को क्या बोलते हैं, टेस्टिस। क्या बोलते हैं, टेस्टिस। और अंकल से, अंकल से बनता है अंडाशय। अंडाशय, और अंडाशय को क्या बोलते हैं, ओवरी। फिर अधिकार, अधिकार से क्या हो गया, अधिकार से हो गया अधिव्रकक, जिसको क्या बोलते हैं, अधिव्रकक। और इसका दूसरा नाम क्या है, इसका नाम है एड्रीनल। क्या है, एड्रीनल। तो अधि का मतलब क्या है, अधि का मतलब है ऊपर, और रुका का मतलब किडनी, मतलब किडनी के ऊपर। क्या मतलब इसका, किडनी के ऊपर। तो चलते अपने आगे की तरफ। तो कुछ फैक्ट्स हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो क्या है, जैसे कि अपनी सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी है, वो है लीवर।
लीवर अपने शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, और इसका वेट तो आपको अभी बता ही दिया, 1.5 से 1.5 kg। और जो ये तो होगी सबसे बड़ी ग्रंथि जो बहिस्त्रावी है, कौन सी है? बहिस्त्रावी। और जो अंतःस्रावी जो सबसे बड़ी ग्रंथि है, कौन सी? अंतःस्रावी, एंडोक्राइन। एंडोक्राइन में जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो कौन सी है? वो है थायराइड। कौन सी है? थायराइड, गले की ग्रंथि। और इसका वेट क्या है? इसका वेट है 25 से 30 ग्राम। कितना वेट है? 25 से 30 ग्राम। फिर सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? पीनियल। कौन सी है? पीनियल, पीनियल, पीनियल सबसे छोटी ग्रंथि। अगर पीयूष आए तो पीयूष भी सबसे छोटी ग्रंथि है, अगर दोनों आए तो दोनों। और मास्टर ग्लैंड कौन सी है? जो मास्टर ग्लैंड है वो किसको कहा जाता है? वो कहा जाता है पीयूष ग्लैंड को। और इसका नाम क्या है इंग्लिश, इंग्लिश में से क्या बोलते हैं? पिट्यूटरी। और जो मास्टर है तो मास्टर का भी मास्टर कौन सा कहलाता है? सुपर मास्टर। तो सुपर मास्टर कौन सी है? तो सुपर मास्टर है हाइपोथैलेमस। सुपर मास्टर हाइपो थैलेमस को मस को कहा जाता है सुपर मास्टर, क्योंकि ये मास्टर को भी कंट्रोल कौन करता है? सुपर मास्टर। और वो कौन सा है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल करता है। तो अपनी फर्स्ट ग्लैंड के बारे में देख लेते हैं, वो कौन सी है? थायराइड। थायराइड तो इसके और भी नाम कौन से हैं? एक तो है O2, इसे और क्या कहा जाता है? O2, इसे O2 नाम से भी जाना जाता है। और ये किस प्रकार की है? एच प्रकार की। किस टाइप में दिखती है? एच टाइप में। तो इसका जो शेप है वो कुछ इस तरीके से होता है, ये अपना गला हो गया, और यहाँ पे इसकी एक पाली, फिर ये एक पाली, और ये दोनों जुड़ी होती हैं। ये किस टाइप में हो गई? ये एच टाइप में हो गई, तो इसे एच टाइप भी बोलता है, या तितली प्रकार की यानी बटरफ्लाई, ये बटरफ्लाई की तरह भी दिखती हैं। और इसका वेट क्या है? इसका वेट है 25 से 30 ग्राम। 25 से 30 ग्राम इसका क्या है वेट। इसमें कौन सी है? दो पालियाँ आती हैं, और ये क्या करती हैं? ये BMR कंट्रोल करती हैं, BMR कंट्रोल करती हैं। और BMR का मतलब बेसिक मेटाबॉलिक रेट। क्या? बेसिक मेटाबॉलिक, जो बेसिक मेटाबॉलिक रेट है वो कौन कंट्रोल करता है? वो करता है थायराइड। तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है? इसलिए इसे कहा जाता है जीवन, जीवन या शरीर का टेम्पो। इसे क्या कहा जाता है? शरीर का टेम्पो। शरीर का टेम्पो किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है थायराइड हार्मोन को। और ये कौन सा हार्मोन रिलीज करती है वो भी याद रखना। तो ये कौन सा हार्मोन रिलीज करती है? ये करती है थायरोक्सिन हार्मोन। तो याद करने में भी आसान होगी, क्योंकि इसका नाम क्या है? थायराइड है, और हार्मोन कौन सा है? थायरोक्सिन। कौन सा है? थायरोक्सिन। अब थायरोक्सिन में भी दो टाइप के हॉर्मोन्स आते हैं। तो थायरोक्सिन में एक आता है T3 और एक आता है T4। तो ये दो टाइप के हॉर्मोन्स रिलीज करती है थायरोक्सिन में, एक T3 एक T4। और थायराइड में क्या पाया जाता है? थायराइड में पाया जाता है आयोडीन। आयोडीन अभी देख लेते हैं आगे कि थायरोक्सिन की कमी से क्या होता है, अधिकता से क्या होता है। तो इसकी कमी से क्या होता है? पहले तो अपन देख लेते हैं कमी के, कमी से क्या होता है? कमी को क्या कहते हैं? हाइपोसिक्रेशन। हाइपोसिक्रेशन, तो हाइपोसिक्रेशन से क्या होता है?
चलिए देखते हैं। तो हाइपोसिक्रेशन से क्या होता है? बच्चों में तो होता है क्रूटिनिज्म। क्या होता है? क्रूटिनिज्म बच्चों में तो होता है क्रूटिनिज्म, और बड़ों एडल्ट्स में होता है मिक्सोडीमा। बड़ों में क्या होता है? मिक्सोडीमा, और बच्चों में क्रूटिनिज्म। ये तो हो गए कमी से। अब अधिकता से क्या क्या होता है वो देख लेते हैं। तो अधिकता से यानी हाइपर सिक्रेशन से क्या होता है? ज़्यादा से क्या होता है? तो ज़्यादा से क्या होता है? ज़्यादा से होता है नेत्रोस्थैंदी घोंगा। क्या होता है? नेत्रोस्थैंदी घेंगा। घोंगा मतलब आंखें नेत्र गोलक के बाहर निकल जाती हैं। इसमें क्या होता है? आंखें नेत्र गोलक के बाहर निकल जाती हैं। और आयोडीन की कमी से क्या होता है? जो अपनी आयोडीन है उसकी कमी से क्या होता है? उसकी कमी से होता है घेंगा रोग। क्यों? कौन सा रोग होता है? घेंगा रोग, जिसको क्या बोलते हैं? गलकंड, जिसको गल गंड भी बोला जाता है, और इंग्लिश में गोइटर। इंग्लिश में क्या बोला जाता है? गोइटर। और थायराइड आत्महत्या भी कर लेता है। थायराइड क्या करता है? आत्महत्या, आत्महत्या। और उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हाशी मोटो रोग। उसको क्या बोलते हैं? हाशी मोटो डिजीज, हाशी मोटो डिजीज, या ग्रेप्स रोग। या बोलते हैं ग्रेप्स रोग भी इसे बोला जाता है। फिर चलते अपनी अगली ग्रंथि की तरफ, और वो कौन सी है? आगे बात करते हैं पैराथायरॉइड के बारे में। पैराथायरॉइड, और ये किसके अंदर आती है? ये आती है थायराइड के अंदर, और ये प्रत्येक पाली में 2 से लेकर 6 पाई जाती हैं। यानी थायराइड की जितनी दोनों पालियां हैं उनके अंदर 2 से लेकर 6 तक इनकी मात्रा होती है। और ये कौन सा हार्मोन रिलीज करती है? ये हार्मोन रिलीज करती है पीटीएच। पीटीएच इसका नाम क्या है? पैराथायरॉयड हार्मोन। इसका नाम क्या है? पैरा थायरॉयड हार्मोन। इसको क्या बोलते हैं? पैराथायरॉयड हार्मोन। और ये क्या करता है? जो पैराथायरॉयड हार्मोन है वो क्या करता है? वो करता है कैल्शियम और फॉस्फोर की मात्रा को नियंत्रित करता है। किसको? एक तो कैल्शियम और दूसरा फॉस्फोरस की मात्रा को नियंत्रित करने का काम कौन करता है? पैराथायरॉयड करता है। अगर कैल्शियम की कमी हो जाती है तो क्या होता है? अगर कैल्शियम की कमी हो जाती है तो कौन सा रोग होता है? टिटेनी रोग। क्या होता है? टिटेनी रोग। और अगर अधिकता हो जाती है तो क्या होता है? अधिकता पे कौन सा रोग होता है? अधिकता में होता है ऑस्टियोपोरोसिस। कौन सा? ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस मतलब हड्डियों में छेद हो जाते हैं। तो पैराथायरॉइड क्या करता है? अगर हमारी बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो अपनी जो हड्डियां हैं उसका उसमें से कैल्शियम की मात्रा को घटा देता है और अपने ब्लड में मिला देता है। और अगर ज़्यादा हो जाता है तो जो हड्डियां हैं उनमें क्या होता है? छेद होने लग जाते हैं। ये अपनी कैल्शियम क्या करती है? मांसपेशियों को हिलने हिलने डुलने में मदद करती हैं। तो चलते हैं अपनी अगली ग्रंथि की तरफ। तो अगली ग्रंथि है पीनियल ग्लैंड।
कौन सी है? पीनियल ग्रैंड, पीनियल ग्लैंड। और ये कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है अग्र मस्तिष्क में। और इसे क्या कहा जाता है? इसे शरीर की तीसरी आंख भी कहा जाता है। कौन सी आंख? तीसरी आंख। तीसरी आंख किसे कहा जाता है? तीसरी आंख पीनियल ग्लैंड को कहा जाता है। और भी इसके बहुत से नाम हैं, इसको लैंगिक व जैविक घड़ी भी कहा जाता है, लैंगिक व जैविक घड़ी। इसे सेरिब्रोएफिलाइजिस कहा जाता है। इसे लैंगिक व जैविक घड़ी भी कहा जाता है। इसे शरीर की लैंगिक व जैविक घड़ी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हमारी दिनचर्या को कंट्रोल करती है। अगर आप सुबह 6 बजे उठ रहे हो और अगर आप डेली कंटिन्यू अगर 10-15 दिन तक 6 बजे तक उठते हो, तो आप ऑटोमेटिकली बाद में 6 बजे उठने लग जाओगे। आपको कोई अलार्म की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने कोई अलार्म भरा मोबाइल में, आपने जैसे कि 6 बजे भरा, तो आप सुबह उससे 1-2 मिनट पहले ही उठ जाएंगे। तो ये हमारे दिनचर्या को कंट्रोल करती है। और ये जो है ये 45 से 50 उम्र तक निष्क्रिय हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? निष्क्रिय यानी लुप्त हो जाती है, काम करना बंद कर देती हैं। बाद में इसे क्या कहा जाता है? सैंड ऑफ ब्रेन यानी मस्तिष्क की रेत। ये 45 से 50 साल की उम्र में काम करना कम कर देती हैं। और ये जो हार्मोन रिलीज करती हैं वो कौन, उसका नाम क्या है? उसका नाम है मेलेटोनिन। हार्मोन का नाम कौन सा है? मेलेटोनिन। तो मेलेटोनिन हार्मोन कौन रिलीज करता है? ये करता है पीनियल ग्रंथि। और जो ये मेलेटोनिन हार्मोन है, ये क्या 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 काम करता है? ये करता है स्किन कलर में, जो अपना स्किन का कलर है वो भी ये डिसाइड करता है। लैंगिक विकास, लैंगिक विकास, फिर महिलाओं में जो फीमेल्स हैं उनका मेंस्ट्रुएशन साइकिल, सब किसके वजह से होता है? वो होता है मेलेटोनिन हार्मोन की वजह से। और जो जन्म से अंधे बच्चे होते हैं उनमें लैंगिक विकास क्या होता है? वो जल्दी हो जाता है। और जो ये मेलेटोनिन एक इस पर निर्भर करती है, तापमान पर। तो जो जन्म से अंधे बच्चे होते हैं उनमें लैंगिक विकास इसलिए जल्दी हो जाता है क्योंकि जो सनलाइट है तो वो उनके आँखों के अंदर पड़ती नहीं है, तो उनको कुछ पता भी नहीं होता। तो इसके लिए उनके लैंगिक विकास है जो जल्दी हो जाती है। फिर आती है हमारी थाइमस, फिर आती है हमारी थाइमस ग्लैंड। तो थाइमस जो है वो अपने हार्ट के पास में है। कहाँ है? हार्ट के बिल्कुल पास में है। और जो ये हार्मोन रिलीज करती हैं उसे उसे कहते हैं थाइमोसिन। क्या कहते हैं? थाइमोसिन। तो ये कौन सा हार्मोन रिलीज करती हैं? ये रिलीज करती हैं थाइमोसिन। तो थाइमोसिन क्या करता है? थाइमोसिन एंटीबॉडी बनाने के काम आता है। ये क्या करता है? अपनी जो शरीर की एंटीबॉडीज हैं वो कौन बनाता है? वो बनाता है थाइमस। ये हमारी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने का काम कौन करता है? वो करता है थाइमस। और अगर आपसे पूछा जाए कि WBC का ट्रेनिंग सेंटर, WBC का ट्रेनिंग सेंटर कौन है? WBC का ट्रेनिंग सेंटर वो कौन है? वो कौन सा है? वो भी थाइमस। तो WBC का ट्रेनिंग सेंटर थाइमस। और ये वाइट ब्लड सेल में कौन पार्टिसिपेट करता है? इसमें इसमें करता है लिम्फोसाइट्स। और जो स्टार्टिंग में अगर कोई प्रेग्नेंट माँ है तो उसमें जो एंटीबॉडी का काम कौन सा करता है भ्रूण में? वो भी कौन सा करता है? थाइमस। और ये बढ़ती उम्र के साथ कमज़ोर हो जाता है। क्या होता है? बढ़ती उम्र के साथ कमज़ोर।
बढ़ती उम्र के साथ कमजोर, ये बढ़ती उम्र के साथ कमजोर हो जा पड़ जाता है। तो चलिए आज हमने क्या क्या पढ़ लिया, आज हमने पढ़ लिया थायराइड ग्रंथि के बारे में, पीनियल ग्रंथि के बारे में, थाइमस ग्लैंड के बारे में। अब हम अपने पढ़ लेते हैं पैनक्रियास के बारे में। किसके बारे में? पैनक्रियास के बारे में। तो पैनक्रियास, इसे क्या बोलते हैं? अग्नाशय, अग्नाशय, अग्नाशय किसे बोला जाता है? पैनक्रियास का अगला नाम है। और ये हमारे शरीर की मिक्स्ड ग्लैंड है। तो हमारे शरीर की मिक्स्ड ग्लैंड कौन सी है? ये हमारे शरीर की मिक्स्ड ग्लैंड है। ये एग्जो की तरह भी काम करती हैं और एंडो की तरह भी। जो इसका एग्जो वाला भाग है, वो अग्नाशय रस रिलीज करता है। जो एग्जो वाला भाग है वो क्या करता है? अग्नाशय रस का स्त्राव करता है, अग्नाशय रस का। और जो एंडोक्राइन वाला भाग है वो क्या करता है? वो लैंगर हैंस की डीपी का, वो क्या है? लैंगर हैंस की दीपिका। तो दीपिका पादुन को तो जानते ही होंगे, तो उससे याद रख लेना लैंगर हैंस की दीपिका। तो दीपिका किसकी है? लैंगर हैंस की। और ये कहाँ से निकलती है? ये एंडो पैनक्रियास के एंडोक्राइन भाग से निकलती है। और लैंगर हैंस की दीपिका कितने प्रकार की है? ये हैं तीन प्रकार की। कितने प्रकार की? तीन टाइप की हैं। पहली कौन सी है? एक है अल्फा, बीटा और डेल्टा। गामा मत समझ लेना, ये कौन सा है? डेल्टा। एक तो है अल्फा, एक बीटा, एक डेल्टा। तो डेल्टा क्या काम, अल्फा क्या काम करती है वो देखते हैं। तो जो अपनी अल्फा है वो क्या काम करती है? वो ग्लूकोगन, ग्लूकोगन को, ग्लूकोज को बढ़ाती है। ये क्या करती है? ग्लूकागन, ग्लूकागन बनाती है। जो हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज है उसको बढ़ाने का काम कौन सी करती हैं? अल्फा। और बीटा क्या करती हैं? बीटा करती हैं इंसुलिन। इसमें क्या पाया जाता है? इंसुलिन। और ये क्या करती हैं? ये ग्लूकोज को घटाने का काम करती हैं। ये तो क्या करती हैं? बढ़ाने का, और ये घटाने का। फिर आती है, ये क्या हो गया, फिर अपनी आती है डेल्टा। फिर डेल्टा, डेल्टा क्या करती है? इसमें होता है सोमेटो स्टेनिन। क्या होता है? सोमेटो स्टेटिन। ये किसमें पाया जाता है? ये पाया जाता है डेल्टा में। और ये क्या करती है? स्वांगीकरण में मदद करती है। क्या करती है? स्वांगीकरण में मदद कौन सी करती है? वो करती है डेल्टा कोशिका, यानी खाना पचाने में इनमें काम कौन सी करती है? डेल्टा कोशिका। तो चलो आज यहाँ तक ही था, आगे की बात कल करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। तो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, हाँ शेयर करना ना भूलना, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ओके फ्रेंड्स, चलो बाय बाय।